नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की। बिहार ऐसा राज्य है जहां कोरोना काल में चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग ने सुरक्षात्मक कार्य और नई गाइडलाइन के सहारे चुनाव कार्य कराने की अनुमति दे दी है और अब चुनाव बेहद करीब आ गए हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के चुनावी रैलियां भी अपने जोरों पर है। मौजूदा सरकार जहां जनता से एक बार फिर मौका मांग रही है, वहीं विपक्ष मौजूदा सरकार को हटाए जाने को लेकर हुंकार भरती नजर आ रही है। बिहार में चल रहे चुनावी दंगल के बीच आज हम बात करेंगे लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की। यह लखीसराय जिले में और मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस साल चुनावी मैदान में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है। कांग्रेस की तरफ से मुरेश कुमार अनीश चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं भाजपा की तरफ से विजय कुमार सिन्हा को टिकट मिली है। दोनों प्रत्याशी के बीच होने वाले मुकाबले से पहले हम एक नजर डालेंगे लखीसराय विधानसभा चुनाव के राजनीतिक इतिहास पर। इस चुनावी साल में यहां भाजपा और जदयू के बीच कड़ा मुकाबला रहा था। भाजपा से जहां विजय कुमार सिन्हा उम्मीदवार रहे थे, वहीं जदयू से रामानंद मंडल थे। चुनावी रेस में विजय कुमार सिन्हा आगे निकल गए थे, उन्होंने कुल 75,568 वोट मिला था। वहीं रामानंद मंडल को 68,895 वोट हासिल हुए थे। साल 2010 में विजय कुमार सिन्हा भाजपा से विधायक चुने गए थे, वहीं राजद से फुलैना सिंह चुनावी मैदान में टक्कर में थे। साल 2005 के फरवरी में भाजपा प्रत्याशी विजय प्रकाश सिन्हा विधायक रहे थे, वहीं अक्टूबर महीने के चुनाव में राजद से फुलैना सिंह विधायक चुने गए थे। साल 2000 में यहां से भाजपा के कृष्णनंदन प्रसाद सिंह का दबदबा रहा था। वहीं साल 1995 में राजद का कब्जा रहा था। राजद के टिकट से यदुवंश सिंह विधायक चुने गए थे। साल 1990 के चुनावी नतीजों को देखें तो इस साल जनता दल से कृष्ण चंद्र प्रसाद सिंह विधायक हुए थे। क्षेत्र के विकास कार्यों को देखा जाए तो बाईपास सड़क का निर्माण हुआ, पुल का निर्माण किया गया, चापाकल बनवाए गए और पानी टंकी का निर्माण हुआ और घरों में पेयजल की सुविधा पहुंची। वहीं बिजली की भी व्यवस्था दुरुस्त की गई, महिला के विकास की तरफ ध्यान दिया गया और साथ ही चिकित्सा व्यवस्था में भी सुधार कार्य किए गए। चुनावी मुद्दों की तरफ देखें तो जाम की समस्या अहम है, साफ सफाई की सुविधा की भी कमी है, अतिक्रमण में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस साल यह सीट महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस के टिकट से अमरेश कुमार अनीस है, तो वहीं एनडीए की तरफ से यह सीट भाजपा के खाते में गई है। भाजपा से विजय कुमार सिन्हा चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। इसके अलावा आम जनता पार्टी, राष्ट्रीय से विजय राम, जनाधिकार पार्टी, लोकतांत्रिक से विमल कुमार भी रेस में शामिल है। इस सीट पर भाजपा ने पहले विधायक रह चुके विजय कुमार सिन्हा को अपना टिकट एक बार फिर से दिया है। उनके टक्कर में कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीस मैदान में है। साल 1980 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से विधायक चुने गए थे, उसके बाद कांग्रेस का दबदबा इस सीट पर नहीं दिखा था। 1980 के चुनाव में अश्विनी कुमार सिन्हा यहां से विधायक चुने गए थे। इस चुनावी साल में एक तरफ तो पहले विधायक रह चुके प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार है। अब इन दोनों पार्टियों में देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना नेता चुनती है। क्या फिर से विधायक रह चुके विजय कुमार सिन्हा पर जनता भरोसा करती है या कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीस को मौका मिलता है। अब यह देखना है कि जनता एक बार फिर से किस पर अपना भरोसा जताती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।